सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी क्लासेस। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो होलसेल व्यापार से रिलेटेड है। हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने होलसेल व्यापार को कैसे अच्छे चला सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इवन हम आपको ये भी बताएंगे कि होलसेल बिजनेस के अंदर आप नया क्या लेकर आ सकते हैं, अपने बिजनेस को फ्लरिश कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक होलसेल की बिजनेस करते हैं, फार्मा होलसेल बिजनेस इनका प्रोफेशन है, तो ऑब्वियस है बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मेरे उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो अपने करियर होलसेल बिजनेस में बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी होलसेलर्स हैं या फिर अपनी खुद की कंपनीज लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ मिस्टर महेश को। महेश, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर काजल है हमारे साथ, ये भी आपको क्वेश्चन पुट अप करेंगे और आपको आंसर्स देने होंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो होलसेल बिजनेस किया तो आप कितने टाइम से अपना होलसेल बिजनेस चला रहे हैं? नमस्ते, माय नेम इज महेश बिजानिया फ्रॉम सीकर। मैं इस बिजनेस में 3 साल से हूँ। 3 साल से? 3 साल से। तो ऑब्वियस है कि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि होलसेल बिजनेस का बेनिफिट क्या है? अगर हम फार्मा यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड होलसेल बिजनेस करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या रहता है? इसका बेनिफिट ये है कि अपने खुद का कंपनी भी ला सकते हैं। ओके। और खुद का बिजनेस अच्छी तरह से चला सकते हैं। ओके। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई अगर हमें होलसेल बिजनेस करना है, मेडिकल होलसेल बिजनेस, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले अपन को होलसेल लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस होलसेल, जो अपना होलसेल फार्मा का अपना स्टार्ट करें बिजनेस। ओके। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले डी फार्मा या बी फार्मा को होना आवश्यक है। ओके। अपन डी फार्मा है या बी फार्मा नहीं है, दोनों भी कंडीशन अपने पास नहीं है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको इसमें 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 18 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। जो एक्सपीरियंस आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे काम किया हो तो वहाँ का जो फार्मासिस्ट ओनर होता है वो आपको बना के देगा। ओके। और जब आप मतलब ग्रेजुएट नहीं हो, आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा नहीं है और आप 10th या 12th क्लास से पास हो तो आपको उसके लिए 4.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। जो अपने नियर बाई मेडिकल स्टोर है, कहीं पर भी अपने काम किया हो मेडिकल स्टोर पर, तो वहाँ से अपना एक्सपीरियंस अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशंस जो आपने बताई, अब मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। इसमें डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आजकल आधार कार्ड होता है। Right. वो अपना मिनिमम है। Okay. आधार कार्ड के बाद में अपन को पैन कार्ड चाहिए, एक अपन को लाइसेंस चाहिए। जैसे हो गया अपना ड्रग लाइसेंस है तो अपन को डी फार्मा है तो अपन को लाइसेंस मिलेगा। जो डी फार्मा या बी फार्मा का जो सर्टिफिकेट होता है वो, ये दोनों ही अपने पास में नहीं है तो अपन 10th 12th के बेस पे जो अपना वो बोलते हैं उसको अपना एक्सपीरियंस का आधार पर जो लेते हैं वो एक प्रमाण पत्र चाहिए अपन को। Okay. एक आप मेडिकल स्टोर वालों से? हाँ, मेडिकल स्टोर से अपन प्राप्त करते हैं। एजेंसी से भी मिल जाता है? हाँ, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर सब पे मिलता है। अगर आपने वहाँ काम किया इतने साल तो भी चल जाएगा? हाँ, जैसे अपने ग्रेजुएट तो अपन को 18 महीने का चाहिए होगा। Okay. और अपन जैसे 10th और 12th तो अपन को 4.5 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए। डी फार्मा बी फार्मा है तो वो अपन डी फार्मा या बी फार्मा तो अपन को नहीं चाहिए, अपने पास अपना लाइसेंस है। आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, डी फार्मा में हूँ तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। चलिए और बताइए आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स इसके बाद में अपन को इसका करंट अकाउंट हो गया, जो फर्म है उसका करंट अकाउंट हो गया अपना। Okay. और इसके अंदर अपन को एक चेक की मदद से अपन को एक सर्टिफिकेट जारी करवाना होता है इसका। Okay. जो अपना फर्म का नाम, हाँ जो फर्म का नाम है ना उसके। Okay, फर्म का नाम हो गया। ठीक है। और इसके ऊपर अपन को एक GST नंबर हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपन को अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये जो बिजनेस हम शुरू करते हैं, मैं आपसे आज जानना चाहूंगा इस बिजनेस में हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, पर उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हम ये डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ जाते हैं? ये हम अपन डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके अपने नजदीकी भी जो अपना ई मित्र होता है। ओके। ये अपने मोबाइल की सहायता से ई मित्र चला के मोबाइल पे अपने पेन हो तो अपन जो पास में ई मित्र होता है वहाँ पे चले जाएंगे। ओके। वहाँ पे जाके अपन सारा डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे। ओके। फिर वहाँ पे आजकल, पहले तो ऑफलाइन होता था। राइट। तो ये सिस्टम आजकल डिजिटल कारण होने के कारण ये सारा सिस्टम बंद हो गया। अपना बाहर जो डिजिटल बनता जा रहा है तो ये सब डिजिटलाइजेशन हमारे, हाँ, विभाग में आ रहा, हर विभाग में डिजिटलाइजेशन आ गया तो ये सारा सिस्टम बंद हो गया। तो उसके ऊपर हमको एसोसिएशन आईडी होती है अपनी। ओके। जो अपनी अपनी ईमेल आईडी से या फोन नंबर से कैसे भी है तो वो ई मित्र वाला अपनी एसोसिएशन आईडी बना देगा। एसोसिएशन आईडी अपनी लॉगिन करके, yes, फिर उसमें जो राष्ट्र स्वास्थ्य की साइड होती है उस पे जाके अपना फॉर्म अपलोड करेंगे। ओके। अपना फॉर्म भर के उसमें अपने जो अपने फर्म का नाम है, अपना नाम है, कौन इसका ओनर है, सारा उसमें भर के फिर उसको अपन ऑनलाइन कर देंगे फॉर्म को। ऑनलाइन करने के बाद में उसका चालान कटता है, 3,000 रुपये का मिनिमम, 3,000 रुपये का एक चालान कटेगा। Okay. तो वो अपना गवर्नमेंट में फीस अपनी लाइसेंस की जाएगी। राइट। वो पूरा फिलिप फॉर्म करके उसके बाद में अपन को हार्ड कॉपी मिलेगी वहाँ से, जो मित्र वाला अपन को हार्ड कॉपी का प्रिंट निकाल के अपन को दे देगा। वो प्रिंट लेके अपन अपने घर से अपने जो नजदीकी अपना मुख्यालय होता है, जो जिला मुख्यालय होता है, वो अपना इंस्पेक्टर बैठता है, DI, ड्रग इंस्पेक्टर, यस, उसके पास जाएंगे।
तो वहाँ पे अपने कई जगहों पे तो DI होते हैं, कई पे DI के ऊपर ADC होता है। तो जो भी अपन को वहाँ पे नज़दीकी भी अपने है उनके पास ले जाएंगे अपन। उनके पास में जाने के बाद में वो अपन को अपने जो फाइल है उनको अपन उनके सामने रखेंगे, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें अपनी वो चेक करेंगे, और वो जो ऑनलाइन की थी अपने वो मेल भी उनके पास चली जाती है। तो वो सारा कन्फर्मेशन करके अपनी फाइल जो अपनी फाइल है वो आपके खुद के पास में वो रख लेगा। फाइल रखने के बाद में अपन अपने घर वापस लौट जाएंगे। फिर वो DIE या ADC 2 दिन 3 दिन या 4 दिन बाद में अपनी जो शॉप अपने जहाँ पे ले रखी है तो उसका निरीक्षण करने आएगा। बिल्कुल, वहाँ पे निरीक्षण करेगा कि दुकान की लंबाई चौड़ाई, इसमें फ्रीज है, फार्मासिस्ट कौन है, इसका लाइसेंस है, सारी चीज़ें वहाँ की चेक करके फिर वो आपको लाइसेंस इश्यू करेगा। ओके, तो ये जो फ्रिज वगैरह ये क्या कंपलसरी होते हैं? फ्रिज वगैरह कंपलसरी नहीं होते हैं, कंपलसरी होते भी हैं। कैसे कंपलसरी? इसलिए होते हैं कि जैसे अपन ने कोई TT इंजेक्शन रख लिए या अपन इंसुलिन वगैरह कोल्ड का काम करते हैं, जो फ्रिज में रखने वाली दवाइयाँ होती है तो उनके लिए अपन को ये जरूरी होता है कि अपन को फ्रिज रखना ही होगा। राइट, तो वो फ्रिज रखना, तो उसका जो फ्रिज का बिल होता है तो वो पहले अपन को सबमिट उसके डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करवाना पड़ेगा पहले। ओके, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का भी प्रोसेस होता है अगर आप रेंट पे लेते हैं? ये प्रोसेस होता है, जैसे खुद की दुकान है तो अपने को कोई जरूरी नहीं है रेंट कार्ड का, खुद की दुकान है तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स हो गया वो लग गया, और अपना नाम से जो इलेक्ट्रिक बिल आता है तो वो बिल भी उसके साथ में लगा देंगे। और कोई कंडीशन होती है कि खुद की दुकान नहीं होती फिर भी अपन को फार्मा होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है, रेंट पे लेते लोग, तो अपना किसी भी जगह चले गए तो अपने एक रेंट पे दुकान ले ली, रेंट पे जो दुकान ली तो उस दुकान वाले से अपन को किरायानामा बनाना होता है। किरायानामा है जो 500 रुपये के स्टाम्प पे बनता है, मिनिमम जो 500 रुपये का स्टाम्प होता है उसमें वो जो अपना मकान में दुकान मालिक है वो अपन को स्टाम्प बना के देगा, वो किरायानामा बना के देगा, और उसके साथ में उसका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी अपन को सबमिट करवाना होगा। ओके, और यदि कुछ हम एंटीऑक्सीडेंट वगैरह या इस तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं जो, तो उनको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट वगैरह रखते हैं जैसे फूड में आते हैं वो। ओके, जो फूड वाले प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए अपन को फूड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। right. जो भी अपन ई मित्र की सहायता से इसका फॉर्म फिलअप करके अपना फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। ओके, ये इजीली बन जाता है? हाँ, इजीली बन जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत है ना, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, इजीली बन जाता है। ओके, काजल, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस सर, प्लीज। मैं इस बिजनेस में होलसेल में 2-3 साल से नया हूँ, काफ़ी मेरे को इसमें एक्सपीरियंस है, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस करके मैंने काफ़ी कंपनियों को बुलाया। उनका कैसे बुलाते हैं कंपनियों को आप लोग? कंपनी को बुलाते हैं जैसे अपनी मार्केट होता है। okay. जैसे जयपुर, हमारा जो पास में जयपुर, तो वहाँ फिल्म कॉलोनी है तो वहाँ दवाइयों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जैसे सीकर है आपका, अपना गंगानगर है, कहीं पे भी जाते हैं तो सबके अलग अलग दवाइयों के मार्केट होते हैं, सबके होलसेल के मार्केट बने होते हैं, तो उसमें अपन जाके अपनी शॉप खोलेंगे, उसके अंदर अपना या तो अपन एड लगा देंगे या अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल इंस्टाग्राम, सब ट्विटर वगैरह सब पे सोशल मीडिया के वजह से द्वारा भी अपन हर कंपनी को गाइड कर सकते हैं कि मैंने होलसेल का स्टार्ट किया है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं इस एरिया में हूँ तो मैं इसका एरिया काफ़ी कवर कर लूँगा और आपको अच्छा बिजनेस दिला सकता हूँ, टाइम टू टाइम मेरी सर्विस अच्छी रहेगी। तो ये गाइड करके अपन उनको बुला सकते हैं, कंपनी से फायदा ले सकते हैं और इसके अंदर एक अपन खुद की भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, मेरे व्यूवर्स यही जानना चाहते हैं क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स है वो हो सकता है अगले टाइम में खुद की कंपनी लेकर आए आपकी तरह, तो ये क्या प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है इसकी कंपनी का, अपन को खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। okay. जो इंडिया की जो MSC होती है। बिल्कुल, तो वहाँ अपन CA के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड का है या LLP का है, जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। okay. उसके बाद में जो खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट हो गया, उसके बाद अपना प्रोसेस करके अपने कंपनियों से बनवा के या खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के। जैसे किस तरीके से स्टार्ट किया, कहाँ मैन्युफैक्चर, क्या सिस्टम चल रहा है आपका? मैंने तो स्टार्ट किया कि मैंने मैं खुद का कंपनी पूरी बनवा ली, जो भी मेरा सर्टिफिकेट वगैरह था वो सारे लगा के मैंने फिर कंपनी को, जो सोल्ट वाली कंपनी होती है। right. जैसे अपन तो मार्केटेड हो गए और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, क्यों अपन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं कर सकते कि काफ़ी कॉस्टली होता है। right. तो इतना अपने पास पैसा होता नहीं है, व्यवसाय भी अपन को बिजनेस भी करना है। Bilkul. तो अपन दूसरी जो सोल्ट वाली कंपनी होती है जिससे ये मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, उनको अपन इन्वाइट करते हैं कि मेरे को ये मेरा ब्रांड नेम है, मेरे को ये साल्ट चाहिए, तो उनसे अपन दोनों बैठ के आपस में बात करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। Okay. जब आपने स्टार्ट किया तो किन किन प्रोडक्ट्स के साथ आपने किया स्टार्ट? मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनवाए, 8-10 प्रोडक्ट बनवाए, मेरी कंपनी है, मैं लेके आया हूँ आपके सामने। राइट, ये मेरी एक्सपेंड फार्मा है। बहुत बढ़िया, और क्या मेजर प्रोडक्ट्स क्या आपके? इसमें मेरा पेन किलर है। okay. एंटी एलर्जिक है, एंटी कोल्ड है, और अपना PPI है, और इसमें कफ सिरप है, ये एंटीबायोटिक भी है मेरे पास में। और आप हमारे पास यहाँ पर सेलिंग स्किल्स के लिए? यस सर।
दैट्स ग्रेट। पीसीडी कोर्स कैसा लग रहा है आपको? पीसीडी कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, 4-5 दिन में काफी सीखने को अच्छा बहुत मिला है यहाँ पे और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे गए हैं? बहुत अच्छे गए मेरे को, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सभी से मिलकर यहाँ पे, जो आपने सिखाया है मेरे को काफी आत्मविश्वास बढ़ा है। आपको लगता है कि अब आप अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छा रन कर पाएंगे? हाँ सर, काफी अच्छा रन करके पाऊंगा मैं। आपके जो भी मेरे को आपसे जो भी टिप्स मिली है, अच्छी अच्छी गाइडलाइंस मिली है, सेल कैसे ले, अपन क्रेडिट डॉक्टर को कैसे गाइड करना है, अपन जो MR वगैरह रखेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको कैसे गाइड करना है, रिटेलर को कैसे गाइड करना है, होलसेल को कैसे गाइड करना है, अपने जो डेली कार्य करते हैं वो कैसे करना है, अपन को रिमाइंडर कैसे लगाना है, डॉक्टर के पास फोल्डर कैसे खोलना है, अपन को डिटेलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैंने यहाँ पे सीखी आपसे और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी मुझे सिखाया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं अपने व्यूवर्स को भी मोटिवेट करना चाहूँगा कि यदि आप अपनी खुद की कंपनी लेकर आना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोसेस होता है। देखिए, बहुत लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं जैसे मिस्टर महेश ने किया, कुछ लोग पीसीडी फार्मा लेकर आते हैं, भाई नहीं अफोर्ड करते इतना ज़्यादा तो वो किसी और कंपनी को की फ्रेंचाइजी ले आते हैं। आप कैसे भी करके यदि आप काम शुरू करते हैं और ऑलरेडी आप होलसेलर हैं या होलसेलर बनना चाहते हैं तो मेरा मानना है ये बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके रिटेलर से रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, जितने भी GPs हैं वो सब आपसे ऑलरेडी माल मंगवाते हैं तो उनसे भी आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। सिर्फ जरूरत पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर उतरने की और वो सीखने के लिए हमारे पास मिस्टर महेश यहाँ पर है। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, GP से ज्यादा बिजनेस कैसे लेना है, तो सेम केस आपका भी रहता है। तो मैं आपको एक राय जरूर दूंगा ये पर्टिकुलर कि आप अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री एक कंपनी जरूर लेकर आए। अगर होलसेल का बिजनेस चल रहा है, जैसे काजल ने पूछा कि भाई आप नया क्या करते हैं, तो नया बहुत अच्छा करते हैं आप कि ऑलरेडी आपने कुछ कंपनीज है, दैट्स वेल एंड फाइन है। मगर अगर आप एक कंपनी लेकर भी आप डी फार्मा है और आपने सबसे पहले लाइसेंस ले लिया खुद का और बना लिया होलसेलर, अब आपको किसी होलसेलर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट? अब आपको कुछ भी माल बेचना है आप इजीली जाकर बिल कटवाकर सब काम कर सकते। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता कि आप इस कंपनी के अलावा भी कोई काम कर रहे हैं। ना, ये कर रहा हूं। यही काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, आपके पास मैंने ऑप्शन दिया कि आप बहुत सी कंपनीज को इन्वाइट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ डी फार्मा का बेनिफिट लेते हुए इन्होंने खुद की कंपनी खोल ली, खुद ही होलसेलर बन गए और खुद ही इस बिजनेस में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, दैट्स वेल एंड फाइन है और अच्छी सेल चल रही है। तो मेरा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की और खास करके आपकी अगर 2-3 लाख के सेल के आसपास हैं आप ऑलरेडी और उसे फ्लरिश करने के लिए अगर आप हमारे पास आते हैं तो वेल एंड गुड है, पर ऑलरेडी द सेल इज गुड तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये और आगे प्रोग्रेस करे। मिस्टर महेश, आपके हिसाब से यदि किसी को होलसेल बिजनेस करना है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से होलसेल बिजनेस करना है तो कोई ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। आपके पास में 10,000 या 20,000 रुपये हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इतना कम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि खुद के ब्रांड्स नहीं हो तो अपन कंपनी को इन्वाइट करते हैं, किसी से फ्रेंचाइजी ले ली या किसी कंपनी का अपने स्टॉकिस्ट बन गए, उस हिसाब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, बहुत सही कहा आपने। और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो आपने प्रोडक्ट्स बनवाए उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा आपका? मैंने इसमें 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग की है। ओके, कितने प्रोडक्ट्स आपने बनवाए? मैंने अभी तो 11 प्रोडक्ट्स बनवाए। 11 प्रोडक्ट्स बनवाए और का भी प्रोडक्ट वो अभी प्रोसेस में है तो वो भी धीरे धीरे बन जाएगी। जैसे इन 10 प्रोडक्ट्स की जैसे सेल आएगी तो 19 के अंदर से मैं करके मेरा वो बनवाता जाऊंगा इसके अंदर। जैसे सेल आई तो उसका जो मेरे को आउटपुट मिला, मेरे को जो मेरे को इनकम हुई, मेरी बचत हुई, तो उसी के हिसाब से आधार पर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर गाइड करना चाहूंगा, यदि आपके पास 5 लाख रुपए है मिस्टर महेश की तरह तो वेल एंड गुड है। यदि महेश कह भी रहे हैं कि यदि आपके पास 15,000 रुपए भी है तो भी आप कंपनी 10,000 रुपए 15,000 रुपए तो आप एक दो प्रोडक्ट लगे कंपनी को इन्वाइट करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। बढ़िया तरीका है भाई। मेरे ख्याल से ये फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत प्रॉस्पर कर सकते हो और महेश ने आपको ऑलरेडी दिया है हिंट कि यदि आप डी फार्मा बी फार्मा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस पर्टिकुलर सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा जो होलसेल इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी भी लाना चाहते हैं, खुद ही होलसेलर बनना चाहते हैं। तो ये टिप्स अगर आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई महेश की। बेटा, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।